बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं कटास में हूँ और रात मैंने इधर कटास राज ही स्टे किया था और अभी मैं सुबह निकला हूँ और खंडोवा लेक जा रहा हूँ। रात मैंने गुजारी है यूथ हॉस्टल, तो उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसकी लिंक भी है और कटास राज टेम्पल की वीडियो की भी लिंक है इसमें। तो अभी मैं सुबह सुबह निकल पड़ा हूँ क्योंकि अभी इधर जो हिंदू हैं उन्होंने आना था अपनी इबादत वगैरह के लिए, तो पुलिस की सिक्योरिटी भी काफ़ी टाइट है। ये पीछे अभी सुबह का टाइम है, पुलिस वाले फिर रहे थे, तो मैंने कहा चलो सुबह जल्दी में निकलते हैं और खंडोवा लेक देखने के बाद खुशाब को निकलूँगा। तो ये खंडोवा लेक का पार्ट वन है और इसके बाद सेकेंड पार्ट है, वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उसको ज़रूर देखिएगा। इस पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि खंडोवा लेक जाने के लिए कौन सा रास्ता है और रोड की कंडीशन कैसी है और कितने टाइम में आप वहाँ पहुंच सकते हैं। तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। अभी सामने ये फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री। जब आप खेड़ा से आगे निकलेंगे तो हर तरफ आपको सीमेंट फैक्ट्रियाँ दिखेंगी जगह जगह पर, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर सीमेंट के लिए स्टोन निकलता है, तो इसलिए यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं। सुबह तकरीबन 8 बजे का टाइम है और रश भी नहीं है इतना। ये बेस्ट टाइम है सफ़र करने के लिए क्योंकि स्कूल वगैरह का टाइम भी ख़त्म हो चुका है, ऑफिस का भी, मौसम भी ठीक होता है कुछ। रोड कंडीशन अभी तक तो बहुत अच्छी है, देखते हैं थोड़ी देर तक कि आगे क्या सीन है। उम्मीद है कि रोड ये सारा ठीक होगा। यह है जी सैयद हसन शहीद रोड, यहाँ से जाना है जी लेफ्ट और ये रोड सीधा जाता है बेस्ट वे सीमेंट फैक्ट्री को। तो यहाँ से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर है आगे से राइट मुड़ना है, तो वो आचेगा खंडोवा लेक का रास्ता। यहाँ से मुड़ना है राइट और ये सड़क सीधी जाएगी।
यहाँ से रास्ता काफ़ी ख़राब है, पत्थर हैं और रोड तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये छोटी सी वादी है और ये जगह है जहाँ पर जहाँ तक आप अपनी गाड़ी पर आ सकते हैं, इससे आगे आपकी गाड़ी नहीं जा सकती। और यहाँ पे जीप खड़ी है और आप यहाँ से जीप रेंट लेकर जा सकते हैं, तकरीबन 1000 से 1500 रुपये लेंगे। और आपको जो कंडोवा लेक का बेस कैंप है ना, जहाँ तक जीप जा सकती है वहाँ ले जाकर उतारेंगे। अगर मैं रोड का रिव्यू दूं तो ऐसा होगा कि हाफ़ जो रोड था वो बिल्कुल ठीक था और जो बाकी का आधा था वो उसको कह लें कि आप ऑफ रोड था, कि वहाँ पे कोई सड़क नहीं थी, बस रास्ता बना हुआ था। तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी करके आएँ। अभी थोड़ी देर में हम बेस कैंप तक पहुंच जाएंगे, मतलब जहाँ तक पार्किंग है वहाँ तक पहुंच जाएंगे। और उसके बाद पैदल ट्रैक है और वो है, उसकी वीडियो पार्ट 2 है, वो लाजमी देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। वहाँ पे वो सामने वो पानी गिर रहा है, वहाँ पे आबशार है,
मेरे ख्याल उसका पानी झील को जा रहा है। फिर इधर मैं अभी काफ़ी ऊंचाई पे हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, यहाँ पे भी शोर आ रहा है इसका चश्मे का। अभी इधर से कह रहे काफ़ी रास्ता है आगे को भी, इधर सीधे जाना है तो वहाँ से आगे कहते पैदल ट्रैक है। चलो देखते हैं।